आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्यों करता है अत्याचार। आज भी पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों की संख्या लाखों में है, जबकि पाकिस्तान का जन्म दूसरे धर्म के लोगों की धरती पर ही हुआ है। सार्वजनिक तौर पर किसी भी धर्म का अपमान करना किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ कुत्ता शब्द से संबोधित किया जाता है। कि हिंदुओं को काफिर इंसान नहीं समझा जाता है, कुत्ते की इज्जत है इंसान की, उधर हिंदुओं की नहीं है इज्जत। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2010 की। करीब 60 दूसरे धर्म के लोगों पर हमला किया गया और उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। जनवरी 2014 में दूसरे धर्म के धर्म स्थान के द्वार पर द्वारपाली के कार्य करते एक पुलिस वाले की पेशावर में हत्या कर दी गई। दूसरे धर्म के एक युवा की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी कि उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो इस्लाम धर्म का नहीं था, जिसने इस्लामी मस्जिद के नल का पानी पी लिया था। कहते हैं जब इंसान को प्यास लगती है तो वो धोबी घाट का भी पानी पी लेता है, यह तो सिर्फ एक मस्जिद का ही पानी था। कट्टरपंथियों द्वारा लगातार किए जा रहे उत्पीड़न के कारण दूसरे धर्म के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक और पाकिस्तान के पीओके, खैबर पख्तून, बलूच, पेशावर आदि में इन इलाकों से दूसरे धर्म के लोगों का पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। पाक के दूसरे धर्म के लोगों की संख्या कुल आबादी का मात्र 2% ही रहता है, जनसंख्या कम है, इसी कारण से उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। और ये बात सभी जानते हैं, पाकिस्तान के इस्लामी आबोहवा में किसी दूसरे धर्म के लोगों का जीना सांस लेना दिन ब दिन दुभर होता जा रहा है। आज भी पाकिस्तान में कई ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं जो पाक के मुस्लिमों के अत्याचार से परेशान हैं, दूसरे देशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो अपनों को काट के खा जाते तो हमें क्या जीने देंगे। वो फन जाते थे बाजार में, कोई 1000 का, 5000 का, 50000 का सामान भी खरीदते थे ना, तो हाथ में पानी बाजार में पिलाते थे, किसी के गिलास में नहीं पिलाते थे, कहते थे हिंदू हो तुम। दिन को हमसे मजदूरी कराते और रात को बंद कर देते हैं हमको जेल में। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि पाकिस्तान से दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म करके इन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान से भगा दिया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान करता है दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार।